अस्सलामुअलैकुम। सो तीसरा मैच था आज नमीबिया वर्सेस ओमान। मैंने कहा था बहुत बैलेंस मैच होगा, बहुत अच्छा मैच होगा, तो लो स्कोरिंग थ्रिलर देखने को मिला। और तीसरे ही मैच में वर्ल्ड कप में हमें सुपर ओवर भी देखने को मिला। 109 पर रिस्ट्रिक्ट किया था ओमान को नमीबिया ने, उसमें डेविड रीजा की शानदार बॉलिंग थी, प्लस ट्रम्पल मैन उनके स्टार थे जिन्होंने पहले भी पिछले वर्ल्ड कप में पहले ओवर में 2 रन देकर 3 आउट किए थे, इस बार 2 ओवर में 7 रन देकर 3 आउट किए हैं। और डेविड रीजा ने 4 ओवर्स में 3 आउट किए थे 28 रन देकर, बहुत ही शानदार बॉलिंग रही नमीबिया की। और उसके बाद ओमान ने भी अच्छा रिस्ट्रिक्ट किया उनको और ये मैच लेवल हुआ आफ्टर 20 ओवर्स। और उसके बाद सुपर ओवर में डेविड रीजा हीरो साबित हुए और उन्होंने सुपर ओवर में आते ही बैटिंग करते हुए पहली 4 बॉलों में 13 रन मारे और टोटल नमीबिया ने 21 रन बनाए सुपर ओवर में। और उसके बाद आउट क्लास कर दिया ओमान को। तो वर्ल्ड कप बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तीसरा मैच भी सुपर ओवर में मिल चुका, लो स्कोरिंग थ्रिलर देखने को मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है फॉर क्रिकेट, क्योंकि वो उस तरह की क्रिकेट नहीं मिल रही जो लीग्स में 250-200 स्कोर हो रहा हो और वो चेज भी हो रहा हो। तो उम्मीद है कि वर्ल्ड कप में आगे और ऐसे ही लो स्कोरिंग थ्रिलर देखने को मिलेंगे। और आज का जो सेकेंड मैच होगा वो होगा साउथ अफ्रीका वर्सेज श्रीलंका, बहुत ही बड़ा मैच होगा और साउथ अफ्रीका इसमें फेवरेट्स है ऑब्वियसली, बट स्लो विकेट्स पे श्रीलंका बहुत डेंजरस होती है। तो आज का मैच बहुत इंटरेस्टिंग होगा, मेरी सपोर्ट होगी साउथ अफ्रीका के साथ। तो देखते हैं क्या बनेगा मैच का रिजल्ट, इंशाल्लाह मैच के एंड में फिर आपसे बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स।